अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद सरवत किचन में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज बड़ी मजेदार एक रेसिपी आप सबके लिए लेकर आएंगे, रवायती मीठा। ये गर्मियों का हमारा ठंडा ठंडा एक रवायती मीठा है जिसको हम नए अंदाज के साथ बनाएंगे। आज मैं कोकोनट फिरनी बनाने जा रही हूँ। कोकोनट फिरनी का फ्लेवर बहुत और मेरी एक फेवरेट डिश है, और कोकोनट के साथ इसका फिरनी का जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप चलें फिर अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फिरनी का कोकोनट फिरनी बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध लिया। एक बार याद रखिएगा, फिरनी का दूध ठीक नहीं होना चाहिए। फिरनी का दूध थोड़ा सा पतला रखते हैं, उसकी रेसिपी जो होती है वो थोड़ी सी थिन में आप रखेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखें, मैंने कोकोनट का पाउडर लेकर रखा है। मैंने उसको क्या किया, रात भर, क्योंकि हमें अब कोकोनट मिल्क की ज़रूरत है। अगर आपके पास घर में कोकोनट मिल्क नहीं तो हम घर में खुद ही तैयार कर लेते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने 4 टेबलस्पून मैंने कोकोनट पाउडर के लेकर उसको आधा कप दूध में रात भर भिगो दिया है, जिसको हम ब्लेंडर में डाल के अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। उसके साथ 5 से 6 सब्ज़ इलायची मैंने उसके छील के रख लिए। 1 कप चीनी, चीनी का ये है कि चीनी आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 कप नए चावल, याद रखिएगा फिरनी के लिए पुराने चावल बिल्कुल नहीं लेने, नए चावल लेने, क्योंकि नए चावल के बीच में स्टार्च ज़्यादा होता है और फिरनी बनाने के लिए हमें स्टार्च की ही ज़्यादा मेन ज़रूरत होती है। मैंने क्या किया, मैंने 1 कप दही वाली प्याली जो है, 1 प्याली लेकर मैंने इसको थोड़े से पानी में रात भर के लिए भिगो दिए। ये अब देखें, ये देखें इतने नरम हो चुके हैं कि जो हाथ के साथ भी टूट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह बिल्कुल इनको नरम कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको ब्लेंडर में डाल के हम इसको पेस्ट की शक्ल में इसको ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो हमने कोकोनट भिगोया है उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोकोनट मिल्क तैयार होके आ जाए। ये कोकोनट मिल्क बनाने का घर में बहुत अच्छा एक तरीका है, आसान तरीका है। आपको बाजार जाने के लिए और वो कोई जरूरत नहीं, घर में खुद ही तैयार करने। अगर आपके पास नारियल का पाउडर नहीं है तो आप साबुत नारियल लेके उसको बारीक बारीक काट के उसको दूध में भिगो के उसका भी आप पाउडर तैयार कर सकते हैं। इसी दूध में से थोड़ा सा दूध हम इसके अंदर लेके ऐड करेंगे, ताकि हमारे टेस्ट अच्छी शक्ल में हमारे पास आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमने कोकोनट को हमने दूध के साथ हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, और ये देखिए हमारे पास ये कोकोनट मिल्क तैयार होके आ गई। ये देखिए हम इसको इस पूरे के पूरे को हम इंशाल्लाह हम आगे चल के तो हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। ये देखिए आप, बहुत मज़े की फिरनी बनती है ये कोकोनट, इसको ज़रूर घर में बनाएं और अपनी दावतों में भी रखें। आगे से ईद आ रही है, ईद के लिए तो बेहतरीन मीठा है। गोश्त के आइटम के साथ आप मीठे के तौर पर आप फिरनी सर्व करें और घर को तारीफ हासिल करें इंशाल्लाह। चलो दोस्तों, अब हम ऐसा करते हैं कि हम चावलों का पेस्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको बहुत बारीक पेस्ट की शक्ल में लेके आना। जितना अच्छे आपके चावल ब्लेंड होंगे पेस्ट की शक्ल में होंगे, आपकी फिरनी उतनी ही अच्छी बनेगी, स्मूथ बनेगी बिल्कुल। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसको पतला रखिएगा दूध को, और दूध वैसे भी अगर आप प्योर लेते हैं तो उसमें जब हम चावलों के पेस्ट बनाने के जब हम पानी ऐड करते हैं तो खुद बहुत ही वो दूध की डेंसिटी भी वो थिन हो जाती है। हमने चावलों का पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखिए इसकी ये लुक आनी चाहिए बिल्कुल बारीक। अब ये देखिए बिल्कुल इस ये देखिए बारीक हो गए हैं। इसकी इतनी अच्छी फिरनी बनेगी ना, बिल्कुल स्मूथ क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा, ठीक है। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं।
व्यूअर्स, अच्छा मैं आपको बता दूं कि फिरनी के लिए हम दूध तो पहले बॉईल कर लेंगे, ठीक है, चीनी और सबस इलायची डालकर। हम ये देखिए इलायची हमने डाल दी है, शामिल कर दी है, और हम साथ ही हम यहाँ पर इसके अंदर चीनी, चीनी मुझे थोड़ी सी कुछ ज़्यादा लग रही है, हम देखते हैं इसको टेस्ट करके देख लेंगे, अगर तो हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसके अंदर बाकी की भी ऐड कर देंगे। इसको पूरा बॉयल आने दें, ठीक है। जैसे पूरा बॉयल आएगा हम इसके अंदर कोकोनट जो हमने मिल्क तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और चावल का पेस्ट उसके बाद। अब इसको बॉयल जी वो, अब दूध को हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो चुका है। हमने इलायची और एक प्याली चीनी पूरी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो हमने जो नारियल का पेस्ट बनाया है वो हम ऐड करेंगे। आंच बिल्कुल धीमी कर लें क्योंकि ज़्यादा तेज आंच के ऊपर ये डिश नहीं बनेगी, हल्की आंच के ऊपर। ये देखें हमने सारे इसके अंदर हमने नारियल को हमने ऐड कर दिया है, उसको हम थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे। दूध हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसको आप याद रखिएगा कि फिरनी का दूध को बहुत बॉयल ना नहीं आना चाहिए। फिरनी का दूध का ये देखें आप कि ये इस तरह गर्म, देखें वो भाप उड़ रही है ना, बस इतनी ही हमें इसकी हीट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत हल्की आंच के ऊपर पकना है। और एक और दूसरी बात, जब आप चावल का पेस्ट डालेंगे आपने चम्मच को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये फिर इसका क्या होगा कि एकदम लम्स बन जाएंगे और फिर लम्स को कंट्रोल करना ज़रा फिर मुश्किल होता है। इसलिए आप मुसलसल एक हाथ से चम्मच चलाती जाएं या फिर आप विस्क ले लें, वो बहुत आसान है, और एक हाथ से आप जो है ना वो चावलों का पेस्ट डालते जाएं। हो भी सकता है कि आपको चावलों का पेस्ट सारे शायद सारा ना हम डालें, कुछ हम छोड़ दें, जितनी हमें इसके अंदर चावलों के पेस्ट की हमें नीड होगी बस हम उतना ही इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ, पहले अच्छे तरीके से इसको घोल लें क्योंकि ये नीचे बैठ जाते हैं पेस्ट होने के बावजूद, ठीक है। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा मीठा, आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा। मैंने फिलहाल इतने छोड़ दिए, ये देखिए ये थिक, ये देखिए थिकनेस आती जा रही है, ठीक है, ये देखिए। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पोर करते जाएं दूध के अंदर। बस आपने इस तरह करना है कि आप ये इसके अंदर लम्स ना ले दें। इसको हल्की आंच के ऊपर बस आप पकाते जाए और ये खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। बस इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं अगर ये कहूँगी 10 से 15 मिनट तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी, ठीक है। इसको आपने तब तक पकाना है कि जब तक ये पूरा थिक ना हो जाए और चावल आप ये हमारी फिनी का गल ना जाए। उसमें 10 मिनट, उसमें 15 मिनट से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि हमने आंच को बहुत हल्का रखना है, तेज़ आंच के ऊपर नहीं बिल्कुल इसको तैयार करना। ये देखिए अब आप ये देखिए ये हल्का हल्का अब ठीक होता जा रहा है, अभी इसको बहुत ठीक करना है, बस आपने चम्मच नहीं छोड़ना। और एक और बात मैं कह दूं कि आप इसके अंदर नारियल का पाउडर या जो भी हमने दूध तैयार किया है कोकोनट, आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर है, ठीक है, कि आप उसके अंदर ज़्यादा ऐड कर लें कम आप रख लें। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम एक ख़ास मकदार, उस डिशेस में ये चीज़ चलती है कि ख़ास मकदार हो सकती है, कि आप हम अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम चीज़ को ज़्यादा या कम हम उसको कर सकते हैं। आप इसके अंदर नारियल का पाउडर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं एक और टिप दे दूँ कि जब हम कोई मीठा तैयार करते हैं तो वो जब गर्म होता है ना तो वो आपको मीठा कम लगेगा, लेकिन जब हम उसको ठंडा कर लेते हैं तो मीठे का जायका हमें तेज़ आता है।
इसलिए आप पकाते वक्त मीठा एक चम्मच जरा कम रख ले तो जरा बेहतर रहेगा, एक या डेढ़ चम्मच। उसके बाद इसकी ये थोड़ी सी थिक, ये देखिए ये अपनी थिकनेस की तरफ जा रही है आस्ता आस्ता ना, ये 5 मिनट के बाद ये देखिए अभी मजीद इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट तक तैयार हो जाएगी। ये 10 मिनट के बाद इसकी ये स्टेज है, ये आप देखिए कोई लंप नहीं है क्योंकि मैंने मुसलसल चम्मच जो है ना मुसलसल इसके अंदर मैं न चला रही हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने बिल्कुल। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये देखिए ये देखिए स्टेज आ रही है मेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम हल्के आंच के ऊपर बस 5 से 10 मिनट थोड़ा सा और पका लेंगे। अब ये देखें कि चावल का कोई दाना आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखो इस तरह होना चाहिए पेस्ट फिरनी का। याद रखिए खीर और फिरनी में बहुत फर्क होता है, खीर का चावल मोटा होता है, फिरनी का चावल बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में होता है। ये देखिए हम बोलेगा अब इस स्टेज के ऊपर जब ये थिक हो गई हम इसको मजीद आस्ता करके इसको थोड़ा सा और 5 से 10 मिनट इसको और पका लेंगे। कोई लंप नहीं है क्योंकि मुसलसल हम इसके अंदर चम्मच को चला रहे हैं, आप चम्मच नहीं छोड़ना एक बार जा रहे इलायची दाने इसमें नजर आ रहा है। आपने बहुत पाउडर करना तो आप पाउडर कर लें, इलायची को मैं थोड़ा सा जरा साबुत रखती हूँ। देखिए व्यूअर्स ये हमारी अपनी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज्यादा थिक नहीं करना, ये पोरिंग की शक्ल में होनी चाहिए इसको। ये देखिए ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसकी डेंसिटी बस इतनी ही है। और ये देखें मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए ये दाना ये देखिए ये आप देख रहे हैं चावल के बरी बरी ये गल चुके हैं, ये देखें ये सिर्फ कोकोनट का आपको पीसेस नजर आ रहे हैं, चावल का दाना बिल्कुल घुल गया, ये देखिए पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी फ्रेंड्स अब हमारी मजेदार सी कोकोनट खीर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और आपने इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखकर अच्छा सा इसको चिल कर लें, ठंडा कर लें और फिर आप इसको सर्व करें सब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, व्यू करें और लाइक और प्लीज़ यार कमेंट किया करो, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह